सत्य तटस्थ आ निष्पक्ष समाचार समाज बदलबाक हमर सभक अभियान प्रणाम ई अछि टाइम्स टेलीविजन अपने देख रहल छी टाइम्स समाचार हम दीपक सुरकरी जनकपुर धाम में एक महिला के पड़ोसी सब पीट पाट कऽ केस काटने संबंधी समाचारक प्रसंग सँ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 25 लोहना के 30 वर्षीय सुखमरिया देवी सदा मुसहर के पड़ोसी सब पीट पाट करत कपा केस मुंडन शुरू कयलक अछि। पड़ोसी सब शुक्र के रात 12 बजे घर से जबरदस्ती मुसहरी टोल चौक में लऽ जा कऽ केस कटने पीड़ित महिला के कहबै छै। पड़ोसी सब पीड़ित महिला ऊपर पर पुरुष संग लंबा समय से अवैध संबंध रहला से एहन महिला समाज में दुर्भाव फैलात तथा सामूहिक रूप में मुंडन क घर निकाला करलेल हुनक पति राम प्रकाश सादा किलो के दबाव देने छल, मुदा पति पत्नी के राख तैयार रहल बतौलाक बाद रातक समय में जबरदस्ती घर से उठा कर महिला के पीट पाट करत केस काट कर घर से निकाला केने बताओल गेल छे। एम्हर पीड़ित महिला स्वयं 3 महीना पति आ परिवार के छोड़ कर बहिन ओतर रहत आयल बतौली, पर पुरुष संग अपन कोनो संबंध नहीं रहल आ पति अपना आना गेलाक बाद सहमति में घर में अयलाक बाद अपना ऊपर आरोप लगा कर पीट पाट करत केस कटने दुख सुनौने छथि। नाम है अहाँ के? कुमरिया सादा। कुमरिया सादा? सुकुमरिया सादा। सुकुमरिया सादा। की भेल अहाँ के? की भेल? हमरा कोन बात नहीं भेल से देखियो सर जी, हमरा से बहिन लड़ी गेली 2-3 महीना आ से घर घर ला मारल की पीटल की दार पानी पी के हम भाग गेली आ तकर बाद भगला के बाद निकल रही से लोग सकल के भूख में भाग गेल छल आ देखिए भगली उगली हम कुछ नहीं आ तब बेटा बेटी माया दो गेली तो हम अली हम आब की कल के 12 बजे तक उठा कर लग गए उठा कर लेने के बाद हमारा फूस पास कुछ कोई बात निकल गई मैंने दुआ से पूछल कई दुआ दुआ से पूछला के बाद नहीं हमारा मारा लगे तरह तरह आ मार के बाद काट लगल इतनी बात है। के सब अहाँ के केस काटा लगल? के हम सब दिए दिया थे आ 2-3 गोरा ही फालतू मुसहरी के कथी आरोप लगे लग अहाँ के? आरोप लगल के बोलबर कतु भाई गेल छले बोल तू कतु घर कइला तो ओइले हां से बात है बोल भाई गेल जरे घर लाके छोड़ के बैठ के छोड़ के भाई गेल छले तो कइला नगर में अइले सो बात नि मार पूछ बात करके बात पूछ करके तकर बात हमरा केस काट लगले आ मार लगले। घर वाला कथी कहिया? घर वाला कल के हम रखबी बोलू। घर वाला है कहां? घर लाइन काम कर गेलिए। घटनाक दोसर दिन गामक किछु सहयोगी सब पुलिस के खबर केने छल। पुलिस 40 वर्षीय मकसूदन सदा, 28 वर्षक ललित सदा, 36 वर्षक ठक्कर सदा, 23 वर्षक करीचंद सदा, 41 वर्षक चन्मा सदा, 32 वर्षक घूरन सदा, 26 वर्षक बद्री सदा आ 18 वर्षक महेंद्र सदा के नियंत्रण में लेने अछि। अभद्र व्यवहार अंतर्गत के मुद्दा चला कऽ 10 दिन के म्याद थप कयल गेल। धनसाक प्रहरी परीक्षक शेखर खनाल बतौलनि महिला के पीटपाट आ केस कटलाक बादो जनकपुर धाम अंचल अस्पताल में भर्ना भेल आ बाहर के स्रोत से अपना सब खबर पेलाक बाद अस्पताल पहुँच कर सब बुझि कर कानूनी प्रक्रिया आगा बढ़ौने उप परीक्षक खनाल बतौलन। जिला धनुषा जनकपुर वडा नंबर 25 लोहना भन्ने स्थान में अति 6 गते राति 8 बजे तीर को समय में एकजना महिला त्यहाँ के स्थानीय व्यक्तिहरूले स्थानीय युवाहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरेर कुटपिट गरेर अनि कपाल काटिदिएको रहेछन्। अनि त्यसपछि महिला उपचारको लागि उसलाई कुटपिट पनि भएको थियो, उपचारको लागि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा ल्याइयो। अनि हामीले बाहिरबाट थाहा पायौँ, कोही मान्छेले हामीलाई त्यसको बारेमा जानकारी दियो, सूचना दियो, यस्तो यस्तो भयो, महिलालाई मिसबिहेभ गरेर कुटपिट भएर यसो कपाल सपाल पनि काटिदिएको छ भनेर भनिसकेपछि पुलिस एक्टिभेट भयो। अनि त्यसपछि हामीले महिलालाई सम्पर्क गऱ्यौँ। यो घटना पुष्टि भइसकेपछि हामीले त्यसको भोलिपल्ट अनि त्यही गाउँबाट घटनामा संलग्न 8 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर ल्यायौँ र हिजो सुखमरियाक पति किलो उर्फ राम प्रकाश सदा मदिरा सेवन कऽ हमेशा झगड़ा करबाक बाइन से पीड़ित भ महिला बितलाहा माघ में अपन बहिन फुलकनिया के घर गोनरपुरा जा कर रह लगली। हुनक पति अइ अवधि में खोज खबर सेहो नै केने ओ बतौली। 3 संतान मध्य जेठ पुत्री के विवाह भ चुकल अछि। धियापुते के माया लगला से घर घुरल पीड़ित महिला सदा के घर में नै राख पति राम प्रकाश सदा के मुसर समुदाय दबाव देने छल। ओ गाँव में रहल त दोसर के बेटी पुतह से बिगड़त तैं घर से निकाल ओ सब दबाव देने छल, मुदा पति दास पत्नी के घर में राखब कहलाक बाद शुक्र के रात में ओ सब समुदाय के पंचायत बजा कर पीड़ित महिला के आनने छल। पंचायत में महिला के दोसर संग अवैध संबंध रहल कह कर जबरदस्ती
स्वीकार करबा पीटपाट करत केस सेहो कटने स्वयं सुनने छी से जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 25 लोहना के वार्ड अध्यक्ष उमेश यादव बतौलन। अध्यक्ष यादव महिला संबंधी घटना में स्वयं ओहिठाम कोनो उजुरी नहीं आयल आ घटना घटलाक बाद हुनक पति राम प्रकाश सदा स्वयं अपन पत्नी के हुल हुज्जत केने कहे बतौला पर स्वयं निवेदन देव कहने छनो मुदा निवेदन नहीं दक पुलिस के खबर केने अध्यक्ष यादव बतौलन। यातना देव वाला सबके दंड सजा होब परत से वार्ड अध्यक्ष यादव के कहब छन जो ओ महिला के बारे में किछ उपराग छल त गाँव में स्थानीय सरकार अच्छे एत आबि के कहल जा सके छल। ओ कहलन मुदा रातक बेर में हन अमानवीय व्यवहार हैब निंदनीय अच्छे। हम अहाँ के वार्ड अध्यक्ष के हैसियत से अगर जो है ना दुनू थड़ी के आमने सामने रखबे राय के वस्तुगत स्थिति बुझबे जेकर गलती सही होते तो हम सब समाज में मिलाब के कोशिश करबे ओकरा जे जे दंड सजाए होइ छै ओ व्यक्ति सबके जे सबके देबे। अब रह गेले कि अध्यक्ष ल नहीं जेते वो कानूने निकाय में जेते तो अध्यक्ष के वो कानून निकाय में जे है कानूनी हिसाब से जे पहुँच गए जे अंतर्गत में वह निवासी मोहम्मद अली अहमद के अनुसार वो महिला के संबंध गांवे घर में कैल जाए वाला पूजा शिव चर्चा में ढोलक बजाय वाला नाम नहीं खुजल एक व्यक्ति संग रहल ओकरे संगे विगत 5 महीना से फरार रहल से बात अपने सुनने छी से कहलन। जे हुए पति स्वीकार कर चुकल अवस्था में पड़ोसी सबके महिला ऊपर रातक समय में दुर्व्यवहार नहीं करबाक चाहिए छल से वो बतौलन। वो लड़की जरा तुरंत काम करे करी धरून माघे की कहानी बुझलिए तो छौड़ा चुपे चुपे के अपना खोजल एक नहीं भेटल बाद में जो भेटल परसों तरसों जो लड़की है तो अभी मुसहर सब एक की कहती है कि जबरदस्ती साल रही रहे वो एना करबू ओना करबू नाग छोटा काटि के आ तब घरवाला रखे घरवाला कहती हम रखब तो हमारा दोसर से कौन मतलब घर वाले रखेला जो तैयार है यह बात सब कुछ कथी नाम है बाबा ठीक है हाँ के अजय हम हाँ मोहम्मद अली हमर एम्हर अधिवक्ता श्याम कुमार मिश्र के अनुसार एक किस्म के मुद्दा में आरोपी सबके 3 वर्ष के कैद सजाय भ सकबाक बतौने छथि। महिला संबंधी मुद्दा में संवेदनशील अपराध अंतर्गत रहल आ आई के मुद्दा सरकारी तबर में लड़ल जात अछि तैं अभियुक्त सबके कड़ा सजाय भ सकबाक बतौलन। महिला समान अधिकार संविधान में प्रदत्त गरेको नागरिक ऊपर कसैले कुनै किसिमको अभद्र व्यवहार गर्नु हुँदैन गरे सजायको भागी हुन्छ संवैधानिक व्यवस्था र मौजूदा कानूनी व्यवस्था रहेको छ। त्यो बमोजिम 3 वर्षसम्मको सजाय हुने आपराधिक दायित्व जो अपराध कर्मी छ त्यो अपराधीहरूले सजाय पाउने मौजूदा कानूनी व्यवस्था गरेको छ जसमा 2 किसिमको छ अभद्र व्यवहार एउटा कानूनी व्यवस्था छ र सामाजिक रूपमा अपमान गर्ने त्यो दोस्रो कानूनी व्यवस्था छ। अपराधको दायित्व फरक फरक किसिमको छ जसको सुरु कारवाही जिल्ला प्रहरीबाट कार्यालयबाट सुरु हुन्छ अभद्र व्यवहारमा पनि अपमान महिलाप्रति भएको अपमानमा पनि त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिसकेपछि सरकारी वकिल कार्यालयको जिम्मा दिन्छ सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार गरेर जिल्ला अदालतमा बुझाउँदछ कानूनले निषेध गरेको छ आपराधिक दायित्व थुपारेको छ सजायको कानूनी व्यवस्था गरेको छ। खासकर स्थानीय क्षेत्र में अशिक्षा के प्रभाव एखनो जकड़ने अछि सामाजिक परंपरा के निर्वाह करबाक लेल कानूनी प्रक्रिया अपनाब छोड़ कर समाजे मिलकर क्रूर किस्म के सजा दैत आयल अछि। यद्यपि एहि किस्म के घटना नया नहीं अछि एहन किस्म के घटना के निरुत्साहित बनाब लेल जनचेतना संगे शिक्षित समाज बनाब के आवश्यकता रहल से देखल गेल अछि। धनुषाक 16 वर्षीय निर्मला यादव जन्मघर त्याग कर मुकेश कुमार यादव के घर में आयल 10 महीना नहीं भेल छल मुदा सब चीज त्याग के आयल ओ मुकेश पेट्रोल छिटकाए लगलाक बाद निर्मला अखन मृत्यु संगे संघर्ष कर रहल अछि। हुनक शरीर के 35% से बेसी भाग जरल अछि। काठमांडू के कृतिपुर अस्पतालक ICU कक्ष में इलाज कराब रहल निर्मला के अवस्था गंभीर रहल से चिकित्सक सब बतौने छथि। 18 वर्ष के मुकेश कुमार यादव बैसाख 5 गते बेरिया 4:30 बजे दिस पेट्रोल छिटक उनका ऊपर आग लगौने छल। भिनसर में पति संग सामान्य झगड़ा भेल आ वह झोंक में बेरिया में आग लगौने इलाज कराब रहल निर्मला बतौली। भिनसर में खाना खाए
आउ कह के बचौला पर किया बचौने कहे झगड़ा कर लेल कह पीटपाट कलन। 4 बजे दिस मदिरा सेवन कह आबिक हालत बनौला। निर्मला नोर टपकबैत कहली। निर्मलाक परिवारजन सोनू यादव के अनुसार घटना के बेर में परिवारक अन्य सदस्य खेत में काज कर गेल छल। बिरिया 4:30 बजे के समय छल। मुकेश पेट्रोल किन के आनलक। पेट्रोल किराना दुकान में रह के घर में प्रवेश कलक। ओकरा सबके किराना दुकान अछि। ओहि समय मुकेश मदिरा से मातल छल। पति संग किछु काल झगड़ा कलाक बाद मुकेश कुमार तानि के कोठली में पहुँचलक आ पीटपाट कलक। दराज के कपड़ा सब निकाल के छीट दिलक। किराना दुकान में जाकर बोतल के पेट्रोल आनलक आ निर्मला के शरीर में छीटा लागल। सलाई बार का आग लगौलक आ केबार बंद कर भागल। शरीर बजत रहल। निर्मला चिचियात रहली। निर्मला के चिचियाहट पड़ोसी के कान धर पहुँचल। तत्काल पड़ोसी घर में आयल आ निर्मला के शरीर ऊपर पानी ढारलक। ई खबर परिवारजन ओत पहुँचलाक बाद ओ सब घर घूरल आ निर्मला के जनकपुर अंचल अस्पताल पहुँचौलक। अस्पताल काठमांडू रेफर कलक। निर्मला के शनिक साँझ कृतिपुर अस्पताल में भर्ना कैल गेल। निर्मला के छाती से नीचा के भाग जड़ल। अस्पताल के डॉक्टर सुरेंद्र जंग बस्नेत निर्मला के 35% से बेसी शरीर जड़ल बतौलन। 40% से बेसी जड़ल व्यक्ति के नहीं बचाल जा सकत से उल्लेख करे तो निर्मला के अवस्था में सेहो एक हफ्ता धर किछ नहीं कहल जा सकबाक जानकारी देने छथि। स्थानीय प्रशासन 7 दिन भीतर दोषी के पता लगा कानून अनुसार क्षतिपूर्ति दिया देबाक सहमति पश्चात सोम दिन भिनसर 7 बजे से चक्का जाम रहल। जनकपुर धाम ढलकेबर सड़क खंड 3 घंटा के बाद सुचारू भेल छल। धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान कुमार महतो 7 दिन भीतर दोषी पता लगा देव कहलाक बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि लक्ष्मणिया गांवपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष गंगा साह स्थानीय नेता कुंवर कांत झा मृतक के काका ठकाई मंडल सहित गौवा सब सहमत भेल छल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में जाकर लिखित कागज कर जका भेल सहमति में मृतक मंडल के लाश बुझबाक जाहिरी सेहो देबाक सहमति भेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान कुमार महतो बतौलन रविक रात लक्ष्मणिया गांवपालिका 7 के अंदाजी 24 वर्षक अरुण मंडल के एक गाड़ी ठोकर देने छल। तत्काले हॉस्पिटल ल जात काल ओकर बाटे में मृत्यु भेलाक बाद स्थानीय सब आक्रोशित भ चक्का जाम में उतरल छल। J11.9397 नंबरक डिस्कवर बाइक में जनकपुर धाम से घर घूर रहल काल में पहचान नहीं खुजल एक गाड़ी रविक रात 8 बजे दिस जानकी प्लास्टिक आगा मैदा मिल कात में ठोकर देने छल। सड़क सुचारू भेलाक बाद आवागमन सहज बनल छल। धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल जिला भर अस्पताल क्षेत्र तथा विद्यालय क्षेत्र में मदिराजन्य एवं श्रुतिजन्य पदार्थ के बिक्री वितरण केला पर कार्यवाही कर आदेश देने छथि। भ्रष्टाचार विरुद्धक नागरिक निगरानी संस्था के अध्यक्ष मुरली मनोहर मिश्र के अथक प्रयास के बाद प्रमुख जिलाधिकारी कणेल एहन आदेश देने छथि। सीडीओ कणेल विद्यालय लगपास तथा अस्पताल के लगपास में 200 मीटर भीतर कोनो प्रकार के श्रुतिजन्य वस्तु जना गुटखा पान पराग रजनीगंधा खैनी सिगरेट आदि लगायत मदिराजन्य पदार्थ सब के बिक्री वितरण केला पर कार्यवाही कयल जायत कहलनि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के चलानी नंबर 10043 के पत्र अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के पत्राचार कयल गेल छल। एहि के संग जिला समन्वय समिति धनुषा लगायत धनुषाक 18 स्थानीय तह जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषा उद्योग वाणिज्य संघ धनुषा आ चेम्बर ऑफ कॉमर्स धनुषा के सेहो बोधार्थ करैत एहन आदेश देल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस प्रतिक्रियावादी शक्ति संग गर्दन जोड़ के गलत नीति अपनाने आरोप लगौने छथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 70वां स्थापना दिवस के अवसर में नेकपा सोम दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली सहयात्री कम्युनिस्ट ऊपर राष्ट्रीयता में साथ नहीं दे सकल कहत कांग्रेस गलत रास्ता पकड़ने आरोप लगौलन। कांग्रेसक कतेको नेता एखनो राजतंत्र के सपना लग के चल रहा देखला पर अपना आश्चर्य लागल से ओली के कहब छलन। नेकपा अध्यक्ष सेहो रहल ओली ऐसे पहिने के पूर्ववर्ती सरकार देश बर्बाद केने से धारणा रखलन। देश में तीव्रतर आर्थिक वृद्धि भ रहल कहे तो मेलमची आयोजना ठेकेदार के केहुना क
कके घुराब से विश्वास दिलन। भ्रष्टाचारी के नियंत्रण कके छोड़ब से दावी करे तोली अखन विभिन्न प्रकार के तस्करी हटित गेल आ देश में शांति सुव्यवस्था कायम भेल बतौलन। ओली दुनू पार्टी बीच के एकीकरण पश्चात बनल संसद के पैघ दल नेकपा राष्ट्रीयता रक्षा करत राष्ट्रीयता आंदोलन के ऊंचाई में पहुंचौने से धारणा रखलन। प्रधानमंत्री ओली देश के सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखंडता राष्ट्रीय स्वाधीनता पक्ष में अपन पार्टी बतबत आब जग थप मजबूत भेल से दावी के प्रगतिशील शक्ति का विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्ति संग साठगांठ करने प्रतिक्रियावादी शक्ति संग घाटी जोड़ने तर जनता को शक्ति संग जैसे बैरभाव करने गलत नीति नेपाली कांग्रेस ले ली। मचान्छु अहिलेसम्म आइपुग्दा अब नेपाली कङ्ग्रेसले अनुभवहरू लिनुपर्दछ इतिहासका। अब त्यो बाटो लिनु हुँदैन। प्रगतिशील शक्तिसँग देशभक्त शक्तिसँग जनवादी शक्तिसँग एकता गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतान्त्रिक शक्तिसँग यदि काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक शक्ति हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता गर्नुपर्छ र प्रतिक्रियावादी शक्तिका विरुद्ध। आज अचम्म लाग्छ काङ्ग्रेस कहाँ पुग्यो। तहिना नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कम्युनिस्ट के असफल बनाबे एखनो नेपाल भीतर आ बाहर से षड्यंत्र के ताना बाना बुन के काज नै रुकल बतौलन। एकता प्रक्रिया में जिला तह के नेतृत्व निष्कर्ष लगाब लोहा के गेट फोड़ने सरह भेलो कहलन। प्रचण्ड एक वर्ष भीतर पार्टी के महाधिवेशन हैत कहत 8 महीना भीतर 77 जिला प्रवास के सब कमिटी के सम्मेलन सम्पन्न करबाक आ 1 वर्ष में महाधिवेशन करबाक दावी कलन। लाने होला नि त या नलाने हो भन्ने फेरि प्रश्नहरू उठे। हामी यो 70औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा आइपुग्दा अहि भर्खरै महासचिव कमरेडले यहाँहरूको अगाडि राखिनै सक्नुभयो, हामीले पार्टी एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कुराको एउटा फलामे ढोका बाँकी थियो, त्यो ढोका हामीले फोरिदिएका छौँ र एकता प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी के अधिवेशन के भ्रष्टाचार ढीला सुस्ती बेईमानी जाल झेल विरुद्ध अभियान के रूप में लौ जाए पड़त से धारणा रखने चले थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 77 जिला के अध्यक्ष आ सचिव के नाम सार्वजनिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 70वां स्थापना दिवस के अवसर में सोम दिन काठमांडू में विशेष कार्यक्रम के आयोजना करत नेकपा 77 जिला के अध्यक्ष आ सचिव के नाम सार्वजनिक इससे पहले रवि दिन बैसल सचिवालय बैसार से नया मापदंड तय कने संगे जिला पदाधिकारी चयन भेले। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष व सचिव जे पद पेने रहो तत्कालीन जिला अध्यक्ष के ओई पद में आनल गए। जा अनुसार सत्तारूढ़ नेक पाक 77 जिला कमिटी मध्य तत्कालीन माओवादी 33 जिला के अध्यक्ष आ 44 जिला के सचिव पेलक। तहिना तत्कालीन एमाले 44 जिला में अध्यक्ष आ 33 जिला में सचिव पेलक। किछुए दिन में केन्द्रीय समिति सदस्य सब के कार्य विभाजन निष्कर्ष लगात से नेकपा जनौलक। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के अध्यक्ष मंडल के नेता सब किछ सांगठनिक काज पूरा कर पड़ला से पूर्व निर्धारित समय में पार्टी के महाधिवेशन नहीं भ सकल बतौने। सोम दिन पार्टी कार्यालय बबर महल में बैसल राजपाक पदाधिकारी बैसार में ओ सब पार्टी के किछ आंतरिक तथा सांगठनिक काज में थप समय लागत तैं महाधिवेशन नहीं भ सकल बतौलन। तहिना ओ सब जल्दी महाधिवेशन करबाक लेल तैयारी शुरू भेल कहत निश्चिंत रह नेता सब से आग्रह सेहो केने छलथि। महाधिवेशन के नयामिति निष्कर्ष लगाबे लेल बजाओल गेल राजपाक केन्द्रीय पदाधिकारी बैसार में सोम दिन अध्यक्ष मंडल के सदस्य सब धारणा रखने छलथि। राजपाक अध्यक्ष मंडल के सदस्य महेंद्र राय यादव मंगल दिन से अन्य पदाधिकारी धारणा रखता आ निष्कर्ष सहित बैसार समापन हैत से जानकारी दिलन। प्रक्रियाको बारेमा हो, दोस्रो अब समसामयिक राजनीतिको विषयमा हो, तेस्रो भनेको अब 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 को सरकार र स्थानीय सरकारको गतिविधिको बारेमा हो, तेस्रो भनेको अब पार्टी एकता मोर्चा गठबन्धन यसको विषयमा एजेन्डा प्रस्तुत भएको छ र यो एजेन्डालाई अहिले अध्यक्ष मण्डलबाट आफ्नो दृष्टिकोण विचारहरू राख्ने काम जारी नै छ, बाँकी नै छ। अनि त्यसपछि अब उहाँहरूको पदाधिकारी साथीहरूको त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको विचार सुनिन्छ। यो मलाई चाहिँ समयअनुकूल त भोलिसम्म हो,
भोलिसम्म सिद्धिनु पर्ने सिद्धिएर पनि एक दिन गर्न सक्छ। अखार मसान्त भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नबाक तयारी आगा बढाउने राजपाक नेता सब बताउने छ। त्यसपछि नै वैशाख सात अर्थात महाधिवेशन गर्नबाक मिति घोषणा कयल गेल छल, मुदा विभिन्न कारण देखबैत अन्तिम समयमै महाधिवेशन स्थगित कयल गेल छल। वैशाख तीन दिन धरि चलत कहल गेल रहितो किछु दिन लम्बा हेबाक सम्भावना रहल छ बताओल गेल अछि। पथरी शनिश्चर्य निवासी रीना बस्नेत शनि दिन भिनसर नग्न अवस्था में मृत भेटलाक बाद आंदोलन शुरू भेल अछि। शुक्र के रात में भेल कंसर्ट देख कर घर घुरल होना डेरा लगने शनि दिन भिनसर नग्न अवस्था में लाश भेटल छल। रीना के हत्या में संलग्न के कार्यवाही करबाक मांग कर दू दिन से पथरी शनिश्चर्यवासी आंदोलित बनल अछि। सोम दिन भिनसर 10 बजे उद्योग वाणिज्य संघ के पहल में ध्यानाकर्षण पत्र बुझाब खोजला पर प्रहरी प्रशासन चाखने दिलाक बाद स्थिति तनावग्रस्त बनल छल। आंदोलित स्थानीयवासी सब महेंद्र राजमार्ग अंतर्गत पथरी सड़क खंड अवरूद्ध करत नाराबाजी केने छल। आक्रोशित समूह इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी के प्रहरी निरीक्षक कमल बजगाई के राजीनामा सेहो मांग केलक अछि। सम्मान गरिनुपर्छ, यस क्षेत्रमा हुने अपराधिक क्रियाकलापलाई चाहिँ निम्न गरिनुपर्छ भन्ने सबै आम व्यापारीको माग पनि हो। त्यसकारण यो अहिले पत्रीको बदनाम देशभरि बदनाम भइरहेको छ। व्यापारी व्यवसायहरूले यहाँ व्यापार गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनेकौं कारणले चाहिँ पत्रीमा असुरक्षित भइरहेको कारणले पनि आज यो चक्काजाम परिएको छ। मान्छेलाई कसैले पनि रहर हुँदैन, यहाँ कति यात्रुहरूलाई असुविधा भइरहेको होला, तर यो सबै व्यापारीहरूको यो बाध्यता भएको कारणले अहिले उहाँले चक्काजाम गरिनु भएको छ। उहाँहरूको माग मात्रै हो हतियारलाई चाहिँ कारवाही गरियोस्, सार्वजनिक गरियोस्, कम्तीमा पनि 7 गते घटना आज 2-3 दिन बितिसक्दा पनि हतियारलाई सार्वजनिक नगरिनुले पनि ओ सब हत्यारा के कार्यवाही कर, महिला हिंसा अंत कर, शांति सुरक्षा कायम कर आ प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद लगाए तक नारा लगाने छल। आंदोलनकारी सब सड़क में टायर बार कर प्रहरी प्रशासन के विरोध सेहो केने छल। रामेछाप में विमान दुर्घटना में पड़ल अछि। रामेछाप के मंथली विमानस्थल में तारा एयर के विमान दुर्घटना भेल। काठमांडू से 9:35 में रामेछाप के लेल उड़ल विमान अवतरण के क्रम में धावन मार्ग से पिछड़ कर घासे मैदान में पहुंचल छल। दुर्घटना से मानवीय क्षति होबस बचल बताओल गेल अछि। महतारी में लागू औसत सहित एक युवक पकड़ायल अछि। जिला शमसी गांवपालिका 5 रहनिहार 19 वर्षक सुशील यादव के गश्ती में रहल पुलिस पकड़लक अछि। यादव के संग से डाइजिल एब इंजेक्शन 50 पीस, नोरफिन इंजेक्शन 50 पीस, रोमेथाइजन इंजेक्शन 50 पीस आ प्रोक्सीभोन प्लस स्पास्मो 4 पत्ता भेटल। पुलिस जनौलक अछि ओकरा जिला अदालत जलेश्वर से 7 दिन के म्याद थप कऽ अनुसंधानक लेल पुलिसक हिरासत में राखल गेल छ बताओल गेल अछि। दांग में सवारी दुर्घटना में पेड़ 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि तो 2 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। दुर्घटना में पेड़ लम्ही नगर पालिका वार्ड नंबर 7 ऊंचा निम्बू निवासी अंदाजी 22 वर्षक लालू चौधरी के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ल चौधरी के इलाज के क्रम में सोम दिन भिनसर 1:15 बजे दिस लम्ही अस्पताल में मृत्यु भेल। पुलिस जनौलक अछि मृतक मोटरसाइकिल चालक छै तो मोटरसाइकिल के पाछा सवार थप 2 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। घायल होवला समय वह ठाम के 15 वर्षक आशीष चौधरी आ लम्ही नगर पालिका वार्ड नंबर 3 मजगांव के 13 वर्षक प्रकाश घरती मगर अछि। दुनू घायल के लम्ही के प्रारंभिक इलाज पश्चात थप इलाजक लेल बांके स्थित कोहलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कयल गेल अछि। जिला प्रहरी प्रवक्ता विनोद विक्रम शाह के अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग में पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल N6X9167 नंबर ट्रक में वह दिशा दिश जा रहल R3P795 नंबर मोटरसाइकिल पाछा से ठोकर दिला पर वो दुर्घटना भेल छल। सोम दिन विश्व पृथ्वी दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना क मनाओल गेल अछि। हरेक वर्ष April 22 में पृथ्वी के रक्षा के लेल सचेतना फैलाब के उद्देश्य सहित ई दिवस मनाओल जाइत अछि। दिवस के अवसर में ए वर्ष के नारा मातृभूमि पृथ्वी शिक्षा आ जलवायु परिवर्तन तय कयल गेल छल। सन 2009 में राष्ट्रसंघ के 63 महासभा से 22 अप्रैल के विश्वभरि पृथ्वी दिवस के रूप में मनेबाक निर्णय केने अनुसार एखन ई दिवस विश्वभरि मनाओल जाइत अछि। दिवस के अवसर में पृथ्वी के पर्यावरणीय सुरक्षा में जोर देल जाइत अछि। अमेरिका सन 1970 अप्रैल 22 में पहिल बेर ई दिवस मनाउने छल। प्रदेश 3 के सामाजिक विकास मंत्री युवराज दुलाल सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराबला 70 प्रकार के दवाई सबके सरल आ सहज आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कर माथहत के निकाय के निर्देशन देने छथि। प्रदेश 3 के सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत के स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र के सोम दिन भिनसर उद्घाटन करत मंत्री दुलाल दवाई के व्यवस्थापन भंडारण वितरण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाब कर्मचारी के निर्देशन दिलन। स्वास्थ्य क्षेत्र के सबसे संवेदनशील कार्यालय दवाई आपूर्ति व्यवस्थापन
केन्द्र रहल कहत मंत्री दुलाल कार्यालय प्रभावकारी काज नहीं कला पर समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हैत ते प्रभावकारी रूप में काज कर कर्मचारी सबके निर्देशन दिलन। हेटौड़ा एक में रहल तत्कालीन क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर के प्रदेश अंतर्गत के आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र में परिणत कर संचालन में आनल गेल। केन्द्र प्रदेश के 13 जिला के स्वास्थ्य संस्था के दवाई वितरण करत। प्रदेश 2 में से दवाई भंडारण के लेल भौतिक पूर्वाधार नहीं बनल धरि प्रदेश 2 में दवाई पठेबाक जिम्मेवारी अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ सर्वोच्च अदालत परिसर से पकड़ल गेल पत्रकार जितेंद्र महर्जन के तत्काल रिहा करबाक मांग कलक। सर्वोच्च अदालत रवि दिन महर्जन के गैरकानूनी थुना में रखने ठहर करत रिहा कर आदेश देने लगले पुलिस फेर से पकड़ने छल। नेपाल पत्रकार महासंघ सर्वोच्च अदालत परिसर से पकड़ायल पत्रकार जितेंद्र महर्जन के तत्काल रिहा कर के मांग कलक। सर्वोच्च अदालत रवि दिन महर्जन के गैरकानूनी थुना में रखने ठहर करत रिहा करबाक आदेश देने लगले पुलिस फेर से पकड़ने छल। नया शक्ति पार्टी नेपाल के संयोजक डाक्टर बाबूराम भट्टराय सरकार संविधान कार्यान्वयन हो बजका कानून निर्माण के काज के आगा नहीं बढ़ाई सकल से आरोप लगौने छथि। डाक्टर रुद्र शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक नेपाल भारत आ अमेरिका में संघीय विवाद निरूपण के विमोचन समारोह के संबोधन करत पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल डाक्टर भट्टराय संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के अंतर संबंध के व्यवस्थित बनाब सरकार प्रस्ताव के ने राष्ट्रीय समन्वय परिषद आ प्रदेश समन्वय परिषद से व्यवहारिक नहीं रहल से दावी कल। ओ संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के संबंध के मजबूत बनाबसका कानून निर्माण को संघीयता कार्यान्वयन में जोर देव सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलन। संयोजक भट्टराय वित्तीय संघीयता आ प्राकृतिक स्रोत साधन के बांट फाँट संबंधी विवाद नेपाल के संघीयता कार्यान्वयन में देखल गेल विवाद के मूल विषय रहला से विवाद निरूपण के लिए व्यापक बहस के आवश्यकता रहल से धारणा रखलन। अपन मांग संबोधन नहीं केन कह चरणबद्ध आंदोलन में उतरल राप्रपा के सरकार वार्ता में बजौने संगे ओ वार्ता के तैयारी सेहो शुरू कलक। सरकार के पहलकदमी के सकारात्मक रूप में लैत राप्रपा प्रेस विज्ञप्ति जारी कलक। ओ अपन दिस से वार्ता के लिए समिति सेहो गठन कलक। दीपक बोहराक समयजकत्व में महामंत्री राजेन्द्र लिंगदेन आ नेता निरंजन थापा रहल वार्ता समिति गठन कैल गेल पार्टी के प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ बतौलन। राप्रपा फागुन 7 गते धर्मनिर क्षता के लकर जनमत संग्रह कर लगायत के मांग रखने चल। अपन मांग पूरा नहीं भेल कहत राप्रपा बेर बेर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करत आब रहल अछि। नेपाल प्रहरी बेरुजू फरछौट में उत्कृष्ट काज करवला कर्मचारी के पुरस्कृत कलक। सोम दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय में एक कार्यक्रम के आयोजना करत प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल 9 गोटे प्रहरी कर्मचारी सब के पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरण कलन। पुरस्कृत होवला प्रहरी कर्मचारी सब में प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल बहादुर जीटी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा, प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वय टेक बहादुर कार्की, मदन कुमार थापा, प्रहरी निरीक्षक सब मातृका प्रसाद गुरागाई, सुमन कुमार थापा, नवरा सापकोटा तथा दिनेश तिमिल सिन्हा, प्रहरी जवान फनाधर खनाल। पुरस्कार प्रदान करित महानिरीक्षक खनाल कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक सर्वोत्कृष्ट काज के प्रति संगठन के इज्जत आ प्रतिष्ठा बढ़ल कहत और संगठन के काज के मर्यादित बनाब अपन ज्ञान विवेक लगा कर बेसी ऊर्जा के संग काज कर आग्रह सेहो केने छलैथ। टाइम्स समाचार में आब आर्थिक प्रसंग। पैघ करदाता कार्यालय बैसाख 3 गते केने निर्णय विरुद्ध एनसीएल सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर कलक। कार्यालय कटने पत्र संविधान बमोजिम नहीं अछि कहत एनसीएल के एक अधिकृत सर्वोच्च में मुद्दा दायर केने सर्वोच्च के संचार अधिकृत किशोर पौडेल बतौलन। बैसाख 3 गते पैघ करदाता के कार्यालय 62 अरब कर निर्धारण के बाकी 39 अरब कर तीर एक हफ्ता के समय देने छल। पैघ करदाता कार्यालय के संशोधित निर्णय से अधिक कर निर्धारण केने एनसेल के दावी अछि। एनसेल कार्यालय के निर्णय से पहिने सर्वोच्च अदालतक फैसला बमोजिम नहि अछि कहत पत्र आ पैघ करदाता कार्यालय के निर्णय सेहो बदर के मांग कलक। आयकर एन 2058 के दफा 99 बमोजिम निर्धारण कर पड़बाक में 101 दफा लगा कर 102 दफा अनुसार निर्णय केने कहत एनसेल खारिजी के मांग कलक। बैसाख 3 गते कार्यालय एनसेल तिर वाला बाकी पूंजीगत लाभ कर 39,06,84,815 रुपया निर्धारण केने छल। आब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। श्रीलंका में रवि दिन भेल श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट में भारतक जेडीएस जनता दल सेक्युलर के 2 गोटे नेता मारल गेल छथि।
एम रंगप्पा आ केजी हनुमंत रैयप्पा विस्फोटन में मारल गेल छथि त पांच गोटे नेता संपर्क विहीन बनल छथि। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आ कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ओ सब मरल पुष्टि कलक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी इससे पहले ओ सब मरल भ सकबाक आशंका जतौने छला। जेडीएस के सात गोटे नेता श्रीलंका भ्रमण में गेल रहे। कोलंबो में भेल विस्फोट के बाद उनका सब संग संपर्क नहीं भ सकल। श्रीलंका में रवि दिन भेल विस्फोट में मृत्यु भेल 36 गोटे विदेशी मध्य 5 गोटे भारतीय छथि। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा जेडीएस नेता एच डी कुमार स्वामी विस्फोट में मृत्यु भेल से प्रति शोक व्यक्त केने छथि। श्रीलंका प्रधानमंत्री रनिल विक्रमा सिंघे सुरक्षा निकाय ऊपर छानबीन के मांग केने छथि। प्रधानमंत्री विक्रमा सिंघे रवि दिनक आक्रमण बारे पहिने प्राप्त सूचना के आधार में सुरक्षा निकाय कार्यवाही प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौने से आरोप लगौने छथि। ए विषय ऊपर छानबीन करे पड़त से ओ मांग केने छथि। टेलीविजन मार्फत देशवासी के संबोधन करत प्रधानमंत्री विक्रमा सिंघे प्राप्त पूर्व सूचना बारे अपना लगात मंत्री सबके सेहो सुरक्षा निकाय जानकारी नहीं देने से उपराग सुनौलन। ओ आब के प्राथमिकता दोषी ऊपर कार्यवाही के नहीं रहल से उल्लेख कलन। श्रीलंका विमानस्थल में बम भेटल। कोलंबो एयरपोर्ट भीतर जांच करबा क्रम में श्रीलंका सुरक्षाकर्मी थप एक बम भेटल से जनौलक। विमानस्थल में बम भेटलाक बाद सेना के डिस्पोजल टोली बम निष्क्रिय केने छल। रवि दिन भेल श्रृंखलाबद्ध विस्फोटन के बाद सुरक्षाकर्मी सब शंकास्पद स्थान सब में सुरक्षा जांच बढ़ौने। अब खेलकूद समाचार। अंतर्राष्ट्रीय खुला कराते प्रतियोगिता सोम दिन से भारतक पटना में शुरू भेल। भारतक राजधानी पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू भेल प्रतियोगिता पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर रास बिहारी सिंह उद्घाटन कलन। ऑल इंडिया सितोरियो कराते डो एकेडमी के आयोजना तथा कराते एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग में आयोजन कल गल प्रतियोगिता में नेपाल सहित भारत बांग्लादेश आ भूटान लगात देश के 221 गोटे खिलाड़ी विभिन्न खेल में प्रतिस्पर्धा करत। प्रतियोगिता में जापान गोजुरियो कराते डो मिशन संघ के प्रमुख प्रशिक्षक केबी राणा के नेतृत्व में नेपालक राष्ट्रीय टोली सहभागिता जनात। नेपालक 26 गोटे खिलाड़ी विभिन्न उम्र समूह आ तौल समूह में भाग लेत। नेपालक खिलाड़ी के लगनशीलता आ मेहनत के कारण नेपाल विजयी हैत से प्रशिक्षक राणा बतौलन। प्रतियोगिता में नेपाल के दिस से 19 वर्ष नीचा के सीनियर उमेर समूह दिस रूपा राणा 50, दिलमाया कोईराला 55, विपिन राणा 50, संतु थापा 55, छिरिंग गुरुंग 65, दिलबहादुर बुढ़ा थोकी 70, संदीप चौधरी 75 किलो तौल समूह में प्रतिस्पर्धा करत। 19 वर्ष नीचा के जूनियर उमेर समूह में अमन सोती मगर 50, सुमन परियार 60 आ संजय चौधरी 70 किलो तथा 17 वर्ष नीचा के जूनियर उमेर समूह में शिवानी बस्नेत 50, विपिन गुरुंग 50, सुनील रावल 55, रोशन राणा 60 किलो तौल समूह में सहभागिता जनात। इससे पहले जापान गोजुरियो कराते डो मिशन संघक नेतृत्वक नेपाली राष्ट्रीय टोली भारतक पूना में संपन्न भेल चैंपियनशिप में 14 स्वर्ण पदक, 2017 में दिल्ली में संपन्न भेल साउथ एशियन चैंपियनशिप में 17 स्वर्ण पदक सहित विजेता बनल छल। बेस्ता एक संग एखनुक टाइम समाचार एतै समाप्त भेल। एखनुक समाचार सँ हम दीपक विदा चाहै छी। सत्य तटस्थ आ निष्पक्ष समाचारक लेल देखैत रही टाइम्स टेलीविजन। प्रणाम।